हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। तो बात करेंगे टीचिंग एग्जाम के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात करते हैं बीएड स्टूडेंट की। बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड को पीआरटी में शामिल कर दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि सीटेट में बीएड वालों को लेकर जो आशंका बनी हुई थी कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो सीटेट ने भी ये क्लियर कर दिया है और बीएड वालों का भी रिजल्ट जो है 25 सितंबर को जारी कर दिया है, ठीक है। और तीसरी और ख़ास न्यूज है बीपीएससी की भी अब टेंशन बढ़ गई है। इस बार सीटेट के रिजल्ट में केवल 8% छात्र ही पास हुए हैं। तो बीपीएससी में काफ़ी अपीयरिंग स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ये अनुत्तीर्ण होने के बाद बीपीएससी की टेंशन और बढ़ गई है क्योंकि या तो बीपीएससी को बीएड को शामिल करना पड़ेगा पीआरटी में या तो इस बार भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे डिटेल में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खबर से जो आ रही है छत्तीसगढ़ से। आप लोगों ने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में केस चल रहा था बीएड और बीटीसी को लेकर। वहाँ पे बीएड धारकों ने मांग की थी कम से कम 2018 से 2023 तक के बीएड स्टूडेंट को पीआरटी में शामिल किया जाए। तो अब वे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएड को पीआरटी में शामिल कर दिया गया है। न केवल छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है बल्कि सभी राज्यों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कम से कम कहीं से तो कुछ उम्मीद जगी बीएड वालों के लिए। बीएड वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। हो सकता है कि अब अन्य राज्यों में भी बीएड को पीआरटी में शामिल कर दिया जाए। इस बात की पुष्टि आप लोग सीटेट रिजल्ट 2023 से भी कर सकते हैं क्योंकि सीटेट रिजल्ट पर भी काफ़ी बीएड और बीटीसी को लेकर आशंका बनी हुई थी कि क्या बीएड वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं। तो सीटेट ने क्लियर कर दिया है और उन्होंने बीएड वालों के साथ साथ डीएलएड वालों का साथ में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर सीटेट रिजल्ट जुलाई 2023 की बात करें तो इस बार का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है। पेपर वन की बात करें तो इसमें लगभग 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें 12 लाख लोगों ने पेपर दिया था और लगभग 3 लाख स्टूडेंट ही पास हुए हैं। पेपर दो की बात करें तो लगभग 14 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दर्ज कराया था और 11 लाख लोगों ने पेपर दिया था जिसमें केवल 1 लाख लोग ही पास हुए हैं। यानी कुल मिला जुलाकर अगर परसेंटेज में बात करें तो केवल 8% छात्र ही सीटेट में पास हुए हैं। तो आप बात करते हैं बीपीएससी की भी अब टेंशन बढ़ गई है क्योंकि सीटेट रिजल्ट 2023 का रिजल्ट जो है इतना ख़राब होने के कारण बीपीएससी की भी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि बीपीएससी पीआरटी में जो जिन छात्रों ने अप्लाई किया है उनमें ज़्यादा संख्या में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है। अपीयरिंग स्टूडेंट हैं यानी सीटेट का रिजल्ट उनके पास नहीं है। अब जो छात्र फेल हो चुके हैं, अभी मैंने बताया कि लगभग 1 लाख लोग ही पेपर टू में पास हुए हैं और पेपर वन में 3 लाख पास हुए हैं 12 लाख में से, ठीक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितने छात्र फेल हुए हैं इस बार। अब बीपीएससी की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीपीएससी में या तो इस बार भी सीट खाली रह जाएगी या तो उन्हें बीएड वालों को शामिल करना पड़ेगा। बीएड वालों को अगर वो शामिल करते हैं तब जाके सीटें जो हैं भर सकती हैं। तो बीएड वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि उनको पीआरटी में शामिल किया जा सकता है बिहार में। अगर बीपीएससी पीआरटी में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता है तो डीएलएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि अगर उनका चयन जो है 30 से 32 नंबर पर भी हो सकता है क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि डीएलएड के वे छात्र निश्चिंत रहें जिन्होंने बीपीएससी में पेपर दिया है और उनके पास अगर सीटेट का रिजल्ट है तो उनकी नौकरी 100% पक्की है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।